कॉफी अरबी, अरबी का लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उठता है। पहले हम लोग बोलते थे लैक ऑफ नॉलेज के लिए ब्राजीलियन कॉफी ब्राजील में ही उठता है और कहीं उठता है, ऐसा नहीं, ये इंडिया में उठता है। कुछ साइंटिफिक ब्राजील वियतनाम वगैरह में कॉफी का ज्यादा कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है, इसलिए कुछ जगह के नाम से उसको बोल दिया जाता है ब्राजीलियन कॉफी या अरेबिक कॉफी या कोई भी चीज को नाम डाल दिया जाता है। मतलब ये नहीं है कि अरबी उठता है, इंडिया में भी कई जगह पे कॉफी टी बहुत जगह पे इंडिया में उठते हैं जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किए जाते हैं। ओके सर, नाम है कॉफी अरबी का। पहले हम जो कॉफी पाउडर यूज करते थे उसमें और इसमें क्या फर्क है, हमने कॉफी पाउडर क्यों चेंज किया, पहले जो यूज करते थे उसको हमने चेंज करके ईस्ट में ले गए, क्योंकि पहला रीजन अभी का रिसर्च के हिसाब से अभी का सबसे बेस्ट कॉफी पाउडर है कॉफी अरबी, वर्ल्ड का फाइनेस्ट और बेस्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर है कॉफी अरबी। सेकेंड रीजन है कॉफी के अंदर कैफीन होता है, विदाउट कैफीन कॉफी नहीं बन सकता है, कॉफी होता ही नहीं उसको कॉफी नहीं बनेंगे, कैफीन हर जगह 5% देते कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स में कैफीन ओके बॉडी के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, हाईलाइट करेगा कॉफी कैफीन की हमारे बॉडी को चाहिए, बट 5% से ज्यादा अगर कैफीन है एक कॉफी में तो हमारे शरीर को क्या रहता है, हमारे कॉफी में कितना कैफीन है, पहले के कॉफी पाउडर में जो पहले वाला जो वो भी एक रीजन है कॉफी पाउडर बनाने का, 4% से ज्यादा 4-5% कैफीन। बाहर के मार्केट से देखेंगे मार्केट के ज्यादातर कॉफी में कैफीन का जो कंटेंट है वो रहता है 20%, 25%, 15%, 20% ऐसे अलग अलग कंटेंट है कैफीन का, तो ज्यादा नुकसान कॉफी एनर्जी के लिए लोग जनरली यूज करते हैं, फायदा तो मिलता साथ में साइड इफेक्ट भी होना, ठीक है। यहाँ पे कॉफी अरबिका के अंदर जो कैफीन का जो कंटेंट है वो 0.9 से 1.4% का कैफीन, ओके, तो इसके अलावा फैटी एसिड भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो सब इसमें जाता है, और बेस्ट क्वालिटी अभी का बेस्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर है, इसलिए कॉफी हम लोग 2 in 1 में डालते हैं, इसके साथ में कैनोडर्मा मिक्स कर देते हैं, तो 400 से ज्यादा पोषक तत्व भी इसमें ले लिया, तो एक पावरफुल कॉफी। अब रही कॉफी के रेट की बात, कई बार हम क्या करते हैं जब लोगों को बताते हैं आज डिटेल बताए सब समझ लिया सामने वाला, हाँ ओके सब लेने के लिए रेडी हो, उसके बाद बोलते हैं थोड़ा सा महंगा है फिर भी अच्छा है, थोड़ा महंगा है बट थोड़ा अच्छा है, हम खुद ही बोल रहे हैं महंगा, हम खुद ही बोल रहे हैं महंगा है, कुकीज देते हैं कई बार कुकीज देते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा महंगा है बट अच्छा है, हम खुद ही बोल सामने वाले को डिसाइड करने दो महंगा है कि सस्ता है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं महंगा है कि सस्ता है, आपको अगर डिसाइड करना है महंगा है कि सस्ता है कॉफी डिसाइड करना है, आप लोगों ने कौन सा कॉफी पिया अभी तक, नेस्कैफे जो मिलता है जो मशीन में मिलता है कॉफी पिया है, दुकान में मिलता है कॉफी पिया है, स्टारबक्स कभी दुकान है, टाटा टाटा कंपनी है उनका कॉफी का दुकान है, स्टारबक्स सब चीजें मुंबई में बहुत जगह मिलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार हो सके तो आ ही जाइए, मेरे को वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, बट मैं एहसास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपकी कॉफी कितनी बेस्ट क्वालिटी में और कितना सस्ता आपको मिलता है, एहसास दिलाना चाहता हूं, मेरे को हुआ था एहसास साबित करिए, क्योंकि जब मैं डॉक्टर सवेरा के साथ एक बार गया पुणे में गया था, एक बहुत बड़ा मॉल है वहां पर स्टार्टअप से, तो वहां पर हम लोग गए कॉफी लिया, दो कॉफी लिया ब्लैक कॉफी, मैंने बोला ब्लैक कॉफी ऑर्डर किया कितना हुआ, हमने कार्ड निकाल के दिया, बोला 1200 समथिंग हो, मजा कर रहा हूँ इतना बड़ा कॉफी इतना बड़ा मॉल है उनका क्या सिस्टम था, एक मशीन लगा रखा था उसमें ऊपर से बीन्स डाला हुआ, आप जैसे ऑर्डर करेंगे 5-10 मिनट लगता है कॉफी प्रिपेयर करने में, वो बीन्स पिसता है वहीं पे ग्लास में गिरता है वहीं से हॉट वाटर पानी होता है फिल्टराइज का पानी होता है, एक कॉफी का दाम इतना बड़ा कप था इतना बड़ा कप था इसमें ब्लैक कॉफी दे रहा है 600 रुपए के ऊपर एक कप,
क्या है 150 रुपए में आपको पूरा पैकेट मिल जाएंगे। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा पैकेट मिल रहा है। अगर एक सेशन एक कॉफी भी और बनाते हैं तो 25 कॉफी बन जाएंगे। अगर इसका आप रेस्टोरेंट भी खोलते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, सोचिए आप बात को। और लोग आते हैं वहां, ऐसा नहीं है लोग नहीं आते हैं, आप जाके देखिए वहां लोग आते हैं, एक एक दो दो घंटे तक बैठते हैं वहां। ये तो मैंने कम रेट वाला कॉफी बताया, इससे ऊपर की कई लोगों का टैग आ जाएगा सुनेंगे रेट में, ज्यादा रेट नहीं देखने का, फिर साइड में रखते हैं ठीक है। ज्यादा कॉफी आप फ्लाइट में जाते हैं कॉफी पीते 2 रुपए का एक कप आता, मैं तो बंद कर दिया, इससे बढ़िया अपना कॉफी है, अच्छा कॉफी भी है, इसमें 11 रुपए भी डाल के हमको बोलता थोड़ा गर्म पानी देखना, वो भी देखते हैं क्या है, कुछ अलग लोग पास वाले पैसेंजर भी देखते हैं क्या चीज पी रहा है नहीं पी रहा है, अपना ब्लैक कॉफी सिर्फ गर्म पानी चाहिए, कम ले लिया गर्म पानी को देते हैं, फ्री में देता है तो अपने को आराम से एक बढ़िया कॉफी 100 रुपए में 200 रुपए कॉफी अगर कंपेयर करना है तो आप उससे कंपेयर, अब ये लोकल कॉफी से कंपेयर, लोकल कॉफी से भी कंपेयर करते तो भी सस्ता पड़ता, जबकि थर्ड क्वालिटी कॉफी पाउडर रहे हो और हमारा फर्स्ट क्वालिटी कॉफी पाउडर के अंदर ग्यानोडर्मा डाल के दिया है, उन्होंने ग्यानोडर्मा नहीं डाला है, ग्यानोडर्मा डालेंगे तो उसका रेट कम से लगा 10,000 रुपए। लोग पीने के लिए रेडी है, लोगों को क्वालिटी चाहिए, वो किस क्वालिटी से आप बताते हैं वो ज्यादा है। हम खुद बोलेंगे कॉफी थोड़ा महंगा है अच्छा है तो बोलेगा है कोई बोला महंगा 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 कॉफी नहीं मिल रहा है, सामने वाला ही बोला है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच नहीं करना है, महंगा वर्ड ही यूज नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको महंगा नहीं, अगर महंगा होता तो आप लोग यूज नहीं कर रहे, या कितने लोग करोड़पति लोग बैठे हो सकता है बैठे होंगे, एक या दो आदमी बैठा होगा, आप लोग करोड़पति लोग हैं लखपति लोग हैं, मैंने नहीं गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उन्होंने कितना बोला, 1 किलो पाउडर का दाम 3 लाख रुपए, 1 ग्राम 300 रुपए का, 1 ग्राम 300 रुपए का कैनोडर्मा यूज करने वाले लोग बैठे हैं, एक लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, डॉक्टर लिव ने हमेशा मिडिल क्लास अपर क्लास के बारे में डेफिनेटली, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पहुंचाने का तरीका आपको होना चाहिए, अगर आप पहुंचाओगे अपर क्लास से इस पर यूज करना चालू कर दिया तो 10-10 दिन में ये पैकेट खत्म हो गया, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं देखते, उनको क्वालिटी चाहिए होता है। अपर क्लास जो हाई क्लास लोग है जो बहुत अच्छा क्वालिटी देखते हैं, इसको मीडियम क्लास और लोअर क्लास भी इसको यूज कर सकता है, इस तरीके से इस कॉफी को बनाया गया और बेस्ट क्वालिटी कॉफी आप प्लीज इसको महंगा बोल के किसी महंगा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप बताइए, ग्रीन मंथ कॉफी बताइए, इसके अंदर डेरी नॉन डेरी क्रीमर अलग है, सोया मिल्क वगैरह नॉन डेरी क्रीमर ठीक है, अलग अलग क्रीमर का मिक्सर है, नॉन डेरी क्रीमर आप एक वर्ड में बोलिए, नॉन डेरी क्रीमर के अंदर यूज किया गया है प्लस कॉफी पाउडर है प्लस इसमें शुगर डाला हुआ है ओके, शुगर डाला हुआ है शुगर पेशेंट्स को, या शुगर किसी को अगर है डायबिटिक है तो उनको आप रेकमेंड मत कीजिए ओके, बाकी उनको अगर देना है तो ब्लैक कॉफी जिनको शुगर डालना है जनरल शुगर ओके, उस शुगर को इसमें डाला हुआ है ओके, उसको अगर आपको लोगों को रेकमेंड करना है तो उनको डायबिटिक नहीं है उसको आप रेकमेंड कीजिए ठीक है, दूध डाल देने को पीना है वो पी सकते हैं ठीक है, इसके इसमें डालते नहीं ऑलरेडी इसमें दूध का एक तला इसमें आता ओके, हो गया कॉफी ठीक है, कॉफी आपको बहुत फायदे अलग आपके बॉडी का जो फायदा देगा एंटी स्ट्रेस हाई पेनिट्रेटिंग पावर कॉफी के अंदर अपने आप में है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदने की क्षमता, जैसे कि आपके दो हाथ है एक हाथ में आप हल्दी का पाउडर रखो एक में मिर्ची का पाउडर रखो थोड़ी देर बाद क्या होगा कौन से हाथ में मिर्ची वाले हाथ में ज्यादा होगा, क्यों होगा क्योंकि मिर्ची के अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, मिर्ची के अंदर भेदने की क्षमता है, वो भेद के अंदर जाके माइंड को इंडिकेशन देता है कि यार भाई कुछ ऐसी चीजें चल रहा है नुकसान कर रहा है पाउडर ओके, हल्दी में वो पावर नहीं है, ऐसे ही कॉफी के अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, गैनोडर्मा में भी ऐसा, इसलिए हमारे जो अभी ब्यूटी किट आएगा ये है नहीं, वो ब्यूटी किट वगैरह जब हम यूज करते हैं वो पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर, क्या करता है पेनिट्रेट करता है, हमारा साबुन वगैरह क्या करता है पेनिट्रेट करता है, गैनोडर्मा पेनिट्रेट करता है अंदर जाता है, शैम्पू वगैरह अगर थोड़ा लगा के रखेंगे तो क्या होगा अंदर जाता है पेनिट्रेट करता है और बॉडी को पोषक तत्व प्रोवाइड करता है स्किन में देता है ओके, तो यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है कॉफी में, तो गैनोडर्मा है तो डबल पावर हो गया।
गया, साइकोसोमेटिक इफेक्ट इसमें देता है। साइकोसोमेटिक इफेक्ट मतलब बॉडी को काम रखना, कूल रखने में मदद करता है। डाइहाइड्रेटिव इफेक्ट बॉडी का कई बार पानी का वाटर का लॉस होता है, वो लॉस को ना होने से, वाटर लॉस ज्यादा होगा तो भी हमारा बॉडी वीक होता है, उसको लॉस ना आने से बचाता है और फास्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है तो इसको 1+1=11 का फॉर्मूला बोलते हैं, पावरफुल प्रोडक्ट बन जाता है। कॉफी में इतना बेनिफिट है, कौन सी कॉफी? फर्स्ट क्वालिटी कॉफी, अच्छी क्वालिटी का कॉफी, उसमें ये पावर है। साथ में हम ग्यारहवा डाल के दे रहे तो डबल पावर, ये क्रीजी कॉफी आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिंगली कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक को जब हम कंपेयर करते हैं, लिंगली कॉफी एक अल्कलाइन ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक हमारा एसिडिक ड्रिंक है, फ्री रेडिकल्स नहीं है लिंगली कॉफी, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स मतलब हमारे शरीर में जब हम लोग ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको, एंटी ऑक्सीडेंट हम लोग यूज करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। आप बहुत सारे फूड आइटम में आजकल देखेंगे या आजकल जब एड आते हैं कुछ हेल्थ ड्रिंक के, तो उसमें लिखा हुआ आता है एंटी ऑक्सीडेंट इसमें है, एंटी ऑक्सीडेंट का काम क्या होता है। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स क्या है, जब भी हमारे बॉडी में जब हम कोई प्रोसेस करता है, तो या सांस हम लेते हैं या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन का भी प्रोसेस अगर हम बोले तो लेते हैं, तो उसके थ्रू एक वेस्ट बनता है, वेस्ट के साथ में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स इधर होते हैं, ये हमारे बॉडी में घूमता रहता है, इसको अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो हमारे सेल को क्या करेगा, एक शैतान बच्चे की तरह होता है, नुकसान इधर जाके नुकसान करेगा, उधर जाके नुकसान करेगा। इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, खत्म करना बहुत जरूरी है। ये कौन कर सकता है, ये वो ही कर सकता है जो एंटी ऑक्सीडेंट है, वो कर सकता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो फ्री रेडिकल बने उसको खत्म करना, एंटी करना, अगर खत्म करना विरुद्ध काम करना, एंटी ऑक्सीडेंट वाला फूड ज्यादा यूज करना चाहिए। और गैनोडर्मा स्पायरना एक पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है, एक पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट फूड है। ओके, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स भी हमें ज्यादा रिलेट होते हैं। लिंगजी कॉफी में फ्री रेडिकल्स नहीं है और इसके अंदर फ्री रेडिकल्स सॉफ्ट ड्रिंक से। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, लेडीज भी बनाते हैं, जेंट्स भी बनाते हैं, खाना बनाते हुए कैसे बनाते हैं, मुझे सब्जी बनाना है, आलू की सब्जी बनाना, आलू भाजी कैसे बनाएंगे हम, पहले जो उसका कढ़ाई या तवा जो होता है, फैन होता है, उसको गर्म करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, पहला फिर क्या डालते हैं, राई डालते हैं, एक सिस्टम है, ऐसे नहीं करते कुछ उठा के डालते हैं, पहले राई डालते हैं, उसको फूटने देते हैं, फिर क्या डालते हैं, करी पत्ता, फिर डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, फिर जीरा पहले क्यों डालते हैं, करी पत्ता बाद में डालते, डाल सकते हैं करी पत्ता मैंने पता बाद में सबसे लास्ट में डाल, जीरा पहले डाल, स्वाद नहीं आएगा, मैडम बोले स्वाद नहीं आएगा, करी पत्ता क्यों यूज करते हैं, हमारे नॉलेज के हिसाब से स्वाद के लिए, बट एज पर साइंटिफिकल कुछ रीजन है करी पत्ता डालने, ऐसे ही कोई चीज नहीं, साइंटिस्ट लोग है ना, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो एक एक चीज पे रिसर्च करते रहते हैं, क्या ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों डाल रहे हैं, मैं ऐसा डालूंगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं डाल सकता। ठीक है, एक साइंटिफिक रीजन, मैंने एक क्लास में सुना था, एक ट्रेनर ने जो क्लास लिया था वहां पे मैंने सुना, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला था ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है, तेल गर्म करने के बाद राई डालेंगे, राई डालने के बाद ही कड़ी पत्ता डालना है, आगे पीछे नहीं डालना, सेकेंड प्रोसेस। उसका रीजन, कड़ी पत्ता डालने का तरीका पूरे डंडे के साथ डालने का, ऐसा नहीं एक एक पत्ता तोड़ के डाल दिया, ठीक है, उसके बाद सब सब्जी बनने के बाद उसको आराम से चबा के खा रहे हैं, गलत। कड़ी पत्ता क्यों डाला जाता है, साइंटिफिकली जो प्रूव हुआ है, जो सर ने बताया ना, उन्होंने बोला साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है, जब राई फूटता है तो उसमें फ्री रेडिकल बनता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, नुकसान पहुंचाता है फ्री रेडिकल के, फायदा पहुंचाता है नुकसान, नुकसान जैसे राई फूटता है तो फ्री रेडिकल बन गए, और ये फ्री रेडिकल बन गया तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज बन गई, इसको ऑब्जर्व करने वाली कोई चीज उसमें डालना पड़ेगा, मतलब इसको फेंक सके, ताकि हमारी बॉडी को नहीं जाना चाहिए। तो कड़ी पत्ता में ताकत है कि ये फ्री रेडिकल को ऑब्जर्व कर सके, इसलिए हम डंडे के साथ में डालना है। डंडे के साथ क्यों डालना है, वो भी रीजन है, ठीक है, डंडे के साथ में डालने का है, उसके बाद आप राई और जो भी फिर बाद में डालना
है, बाकी का सिस्टम मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये दो सिस्टम है। उसके बाद आप जैसा डालना है डालें, सब्जी बन गया, बनने के बाद सब्जी में से उस कड़ी पत्ते के डंडे के साइड निकाल के बाहर अगर कोई पत्ता रह गया तो निकाल के, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑब्जर्व कर चुका है। उसके बाद फिर लोग उसको चबा चबा के खाते, फिर क्या फायदा, फ्री रेडिकल ऑब्जर्व कर लिया, फिर चबा के खाने का कोई फायदा नहीं, वो वापस अंदर चला गया, इससे बढ़िया डालूंगा। तो इसीलिए कड़ी पत्ता डालने का इसी तरीके के कुछ साइंटिफिकल चीजें होती है, फ्री रेडिकल समझाने के लिए मेरे को इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमको हमारे नॉलेज से, मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी इस तरीके पर ट्रेनिंग में जब हम पार्टिसिपेट करते थे छोटी छोटी चीजें हमको, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स रिंगली पॉपुलर नहीं है, कैलोरीज कम है, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऐसे बेनिफिट एक अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, जैसे फ्री रेडिकल को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एक अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, काफी एंटी स्ट्रेस है, एंटी एजिंग है, डिजोल्विंग और बर्निंग इफेक्ट बॉडी को प्रोवाइड। नेक्स्ट है हमारा चाय। ओके, तो चाय हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाइना या गल्फ कंट्री वगैरह देखेंगे तो लोग चाय पीते हैं, चाय में अगर नींबू डाले, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, ओके, तो उसके साथ में चाय अगर नींबू डाल के अगर हम पीते हैं आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव से है। देखेंगे कौन सा चाय, दूध वाला चाय है, अंग्रेजों आके गलत आदत से काफी चले, पहले हम ब्लैक टी कौन सा दूध हम यूज करते थे, दूध की तरह यूज करते थे, चाय हम क्या पीते थे, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ही पीते थे, फिर उसमें टेस्ट के लिए हमने दूध डालना चालू किया और टेस्ट के चक्कर में हमारा पूरा लाइफ का ही टेस्ट चेंज हो गया। ओके, तो अभी हम बहुत बड़ा, अभी कई लोग गैस की प्रॉब्लम से आते हैं, सबसे पहले तो उनको चाय पीते हो गया दूध वाला, वहां पीते तो बहुत पीते, ऐसा कई लोग जो 20-25 चाय एक दिन पी जाता है, आदत पड़ा हुआ लोगों को, सबसे पहले मैं बोलता हूँ दूध का चाय बंद करो, दूध का चाय पीना, ब्लैक टी पियो। अब ब्लैक टी कई लोगों को पसंद नहीं होता, उसका रीजन क्या रहता है, जो मार्केट में जो टी मिलते हैं जनरली वो थर्ड क्वालिटी टी मिलता है, फर्स्ट क्वालिटी टी मिल जाता है बट वो महंगा होता है, महंगा मतलब 1 किलो 1500 रुपए 1000 रुपए ऐसा हाई क्वालिटी में मिलता है, उस क्वालिटी के साथ देखेंगे तो महंगा नहीं, ठीक है, तो हाई क्वालिटी में मिलता है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो ले नहीं पाते, ठीक है। थर्ड क्वालिटी टी वगैरह जब ब्लैक टी में थोड़ा कड़वापन लगता है, उसका रीजन क्या होता है, ये जो टी बन के आता है इसमें कलरिंग डाल देते हैं, हम देखे हैं ये चाय की दुकानों वगैरह, हमारे यहाँ पे केरला में एक बार ऐसे न्यूज आया था, चाय की दुकानों में जो चाय पत्ती इकट्ठा करते हैं वो लोग एक थैली में इकट्ठा इकट्ठा करने का, जब न्यूज वालों ने इसको चेक किया ये कहाँ लेके जाए, इसको कलेक्ट करने के लिए बंदा आता है, उस बंदी के पीछे गए तो उन्होंने एक होलसेलर को दिया, उसके थ्रू ये सीधा कहा जा रहा फैक्ट्री में जाना चाय की फैक्ट्री, ये वहां पे फिर प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसको सुखाया जाता है, जो चाय बनाने के बाद जो बचा इसको वापस सुखाया जाता है, इसके अंदर कलर डाला जाता है और साथ में ये जो कैश्यूनट है, कैश्यूनट का छिलका, हमारे यहाँ फैक्ट्री बहुत है कैश्यूनट का, जो मेन छिलका उसमें से उसका एक रस निकलता है, हाथ में चिपक जाता है तो छूटता है, उस रस को यूज करके उसको कलर किया है, इन दोनों को यूज किया, क्योंकि जब दुकान में जाते हैं हमारे यहाँ तो अलग अलग चाय मिलते हैं, आप देखेंगे जब केरला में कोई यूज कर जाए तो चाय बोलने से चाय नहीं देगा, वो पूछेगा कौन सा चाय चाहिए, बहुत सारे चाय है, पानी ज्यादा पानी कम, मीडियम चाय, लो चाय, हाई चाय, तो ज्यादा कड़क कम कड़क है ना, तो बोलना पड़ता है, तो जनरली हम बोलते हैं मीडियम चाय देते, मतलब कम स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉफी चाय चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बोलना पड़ेगा, नहीं तो अपनी हिसाब से भी बना देगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब लोगों को स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, कलर दिखना चाहिए, तो इसलिए लोग ये सब चीजें करते हैं, पेपर में आया हुआ न्यूज है तो उसके खिलाफ बहुत हंगामा भी हुआ था, तो ये चीजें क्या है, जब कलर डालेंगे तो ये क्या होगा, हमारे बॉडी में जाएगा नुकसान, तो वहां पे सिर्फ कलर चाहिए और कोई चीजें वहां लोग देखते हैं, इसलिए वो कड़वा लगता है, उसका टेस्ट आप ब्लैक टी के रूप में पियोगे तो मजा नहीं आएगा, अलग टेस्ट आएगा, आपको पसंद नहीं आता हो क्योंकि वो थोड़ा कड़वा लगता है, वो बोलेगा हाँ कड़वा लगता है, बोला वो मुझे मालूम है वो कड़वा क्यों लगता है, क्योंकि वो थर्ड क्वालिटी की है तो उसका प्रोसेसिंग एक अलग वे में है, ठीक है, इसलिए आपको कड़वा लगता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एक बार पी के देखिए हमारे ब्लैक टी के रूप में, आप चाहे तो सैंपल लेकर उनको पिला के भी सैंपल भी पिला सकते हैं, थोड़ा सा चाय क्योंकि गर्म पानी चाहिए, इमीडिएटली उसको मिक्स करके हम चाय बना देंगे तो क्या होगा,
उनको देंगे तो वो खुद बोलेगा हाँ इसमें वो कड़वा अपन नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कड़क देखना, ज्यादा कड़क नहीं हो जाए, ठीक है, मीडियम में उसको रखिए, उसको खिलाइएगा, उनको अच्छा तो चाय का एक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आइसक्रीम कैटेचिन है, ये नेचुरल कंटेनर है, कैटेचिन है इसलिए ये कैंसर प्रिवेंट करने में शरीर में मदद करता है। ये चाय की खूबी है, फर्स्ट क्वालिटी टी, सेकेंड थर्ड क्वालिटी बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वालिटी टी के अंदर ये खूबी। जो अभी हमारा टीएसआई टी जो ट्रिप है वो भी करके अगले साल मुन्नार जाने वाले हैं, मुन्नार में चाय के बागान आपको देखेंगे, बहुत अच्छे से बागान वहां है, क्या वहां आप दे सकते हैं, ठीक है। चाय की एक खूबी, इसमें अब हमने क्या डाल दिया, गैनोरमा डाल दिया, गैनोरमा इसे मिक्स कर दिया तो और पावरफुल हो गया। चाइना गल्फ कंट्री जैसे लोग जगह पे ये लोग जनरली जैसे जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो लोग जब नींबू डाल के सब पीते हैं उनको, हमारे यहाँ तो बोलते हैं सुलेमानी पी, सुलेमानी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, चाइना वगैरह में ज्यादातर वो लोग चाय और मशरूम ये दो चीज वो जनरली ज्यादा ज्यादा मशरूम खाते हैं और चाय पीते हैं, वो उनकी हेल्थ का एक मेन रीजन। अब चाय हमारे अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है, एक तो है हमारा मसाला टी, अलग अलग तरीके की सबके टेस्ट के हिसाब से होगा। चाय के अंदर हमने 9 अलग अलग तरीके के मसाले डाल दिए तो वो हमारा बन गया मसाला टी। कौन कौन से मसाले इसमें हैं, नीचे से आप देखिए, इलायची है, अदरक है, दालचीनी का पाउडर है, ओके, लौंग है, जायफल है, जायफल का छिलका है, जीरा है, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास मतलब पुराने जमाने में है, उसका नाम इसलिए डाला है लेमन ग्रास क्योंकि पुराने जमाने में ये एक पौधा है जिसको इसके थ्रू तेल निकाला जाता था। इस तेल का जो खुशबू है वो लेमन की तरह, मतलब जो नींबू है उसका खुशबू है, इसमें जो तेल निकलता है उसका खुशबू नींबू का। पुराने जमाने के जो वैद्य लोग थे वो इसको माइग्रेन के लिए, हेडेक की बीमारी के लिए तेल को यूज किया जाता, इसलिए इसका नाम डाला है लेमन ग्रास और काली मिर्च। ये कहें 9 शुद्ध मसाले इसके अंदर हम लोगों ने डाला। अब पहला इलायची क्यों यूज किया जाता है, कोल्ड और फ्लू के लिए अच्छा है। अदरक क्यों यूज किया जाता है, घर में अदरक का रस अगर थोड़ा पेट दर्द वगैरह हो तो ठीक हो जाता है, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम खाने में डालते नहीं डालते, हल्दी डालते, क्यों डालते हल्दी, लास्ट मीटिंग में पूछा तो मतलब सर कहा अभी ये साथ से तो लोग कलर आने के लिए बताए हल्दी क्यों डालते हैं, एंटीबैक्टीरियल काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक है मतलब जैसे चोट होता था पहले के जमाने में हल्दी लगाते थे, कोई दवाई क्रीम कुछ नहीं आता ठीक हो जाता, ठीक है, अभी हल्दी लगा सकते हैं क्या, उल्टा सेप्टिक हो जाएगा, वो क्या चीज हल्दी है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। अगर हम खुद खेती कर रहे हैं तो ओके विश्वास करते हैं हम हल्दी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, इन सब में कुछ औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए वो चीज खाने के रूप में यूज किया जाता है। लहसुन हम इसलिए डालते हैं जैसे गैस बनने वाली कुछ फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लहसुन ज्यादा डाल देते हैं ताकि गैस बने नहीं, गैस आने से बचना चाहिए। अदरक हम इसलिए डालते हैं ताकि डाइजेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, टेस्ट के लिए नहीं कुछ रीजन है। उसी तरीके से दालचीनी का पाउडर ये काम करता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, ओके, इसलिए हमने जो कुकीज है कुकीज के अंदर ये दालचीनी पाउडर डाला है, इसके अंदर डाला हुआ है, इसमें स्पायरना प्लस दालचीनी पाउडर और रागी और बाजरे का आटा इसमें डाला हुआ है, क्योंकि बच्चों को ये ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, मतलब उनको साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रहता है, तो इनको ये सब चीजें आने के चांसेस ज्यादा है। तो जब भी हम कुकीज के बारे में बताएं तो आप स्पायरना के बारे में बता सकते हैं, स्पायरना का एक अलग बेनिफिट है, साथ में इसमें क्या दालचीनी का पाउडर डाला है जो एंटी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाता है, एंटी बैक्टीरियल का काम। इसके अलावा लौंग डाला है जो ऑरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जायफल एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, इंफ्लामेशन मतलब एंटी हो गया मतलब इसके विरुद्ध, एंटी मतलब अगेंस्ट, ओके, एंटी इंफ्लामेटरी सीजर आने से रोका, रोकता है हमारी बॉडी में, इस तरीके से अननेसेसरी कई बार हो जाता है ना, ज्यादा बैठे बैठे बच्चे उसको जला गया, किसी के पाँव में आ गया, किसी घुटने में आ गया, तो आने से रोकने में मदद करता है जायफल। जायफल का छिलका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ाने में
मदद करता है, जीरा जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हमारे सांस लेने की जो सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेमन ग्रास अटैक माइग्रेन वगैरह के लिए पहले के जमाने में यूज किया जाता था अच्छा है, लोग हमारा पानी भी अच्छा है, कोल्ड कॉफी भी अच्छा है, ये सब अपने आप में एक क्या है औषधि, खुद औषधि तत्वों को भरे हुए कितने लोग मसाला डाल दें आपको ले मसाला, इसको सैशे फॉर्म में हमने ले लिया ताकि आप ट्रायल कर सकते हैं, अभी कंपनी इसको भी किस फॉर्म में लेके आने वाली है कुछ अलग अलग, क्या पैकेट का साइज रहेगा मुझे पता नहीं है, बट इस कैन को भी छोटे फॉर्म में कर देगा। लास्ट टाइम जब हमारे डायरेक्टर इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टर रोहित सर आए थे उन्होंने डिक्लेयर किया इसको, इसको भी हम छोटे छोटे फॉर्म में था कि लोग आप सैंपल दे सको लोग इजीली लोगों को पिला सको, आप यूज करके देखिए आपको अच्छा लगेगा उसको दीजिए, सैंपल देने के लिए हमने मसाला टी हमने आपको दिया हुआ ये कैरी कर सकते। एक बार मैं गया था एक जगह पे ट्रेनिंग में, मैंने पूछा आप लोग मसाला टी क्यों प्रमोट नहीं करते, जो ब्लैक टी है उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, बोलते सर एक प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है अभी वो प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ, कॉफी के बारे में बताया ये कॉफी जो है अलग अलग सैशे में लिया हुआ ओके, इस तरीके के सैशे होते हैं, ये एक सैशे कितना कॉफी बनाएंगे एक कप, एक कप दो कप ऐसे ज्यादा कोई बोल रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है ये पूछेगा ना आपने बताया उसने बोला यूज किया ठीक है अच्छा लगा मुझे मुझे इसको यूज करना है, तो वो उसका पहला सवाल होगा ये, क्योंकि क्वांटिटी कंज्यूमर ज्यादा है हमारे पास, क्वालिटी वाला नहीं पूछेगा उसको मालूम है, वो डाल के देखेगा ठीक है, क्वांटिटी कंज्यूमर पूछेगा एक सेशन में कितना कॉफी बनेगा, नहीं भी पूछता है ना हमारी एक आदत है हम उसको बताते हैं कन्विंस करके सर एक 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 सेशन में एक कप हो जाएगा आपको बहुत अच्छा, ऐसा हम कन्विंस करते हैं ओके, कितना बनेगा एक सेशन में दो चार एक, अगर मेरे से कोई अगर पूछता है सर ये एक सेशन में कितना बनेगा एक कप, मैं पूछता हूँ मैं उसको जवाब दूंगा ओके, आप डिसाइड करो हम कौन से डिसाइड करने वाले, हम डिसाइड कर सकते हैं हम जनरल चीज बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला है कंपनी का उसमें आप देखेंगे सेशन में लिखा हुआ है क्लियरली इसके अंदर आप देखेंगे पैकिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है 150 ml वाटर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, हमारा जो स्लाइड्स वगैरह देखेंगे लिखा हुआ 150 ml क्या कर सकते हैं वाटर के अंदर या 200 ml वाटर के अंदर आप इसको चाहे वो हेल्थ ड्रिंक हो या कोई भी मुझे नहीं मालूम जिस बंदे ने मेरे को ये पूछा है वो स्ट्रॉन्ग कॉफी पीता है कि लाइट कॉफी पीता है कि मीडियम कॉफी पीता है, मुझको नहीं मालूम बताइए नहीं मालूम उसको कैसा कॉफी पसंद है मुझे पता नहीं है, उसको बोल सर आप थोड़ा सा ब्लास्ट लीजिए ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा हमेशा उनको रहता है जब भी बोलते हैं ना कि कौन कितना कप कॉफी में इसका बना सकता हूं, मैं पूछता हूं कौन सा कप, इतना सा कप भी आता है इतना बड़ा कप भी आता है अभी वो कौन सा कप यूज करता है मुझे थोड़ी पता है, तो मेरे को मैं पूछता हूँ कौन सा कप सर बहुत सारे कप आते हैं ठीक है, अगर कप दिखाता है तो उसको बोलता हूँ उनको बोलता हूँ अगला काम करो आप इसको डालिए डालेंगे थोड़ा सा पानी डालिए फिर टेस्ट करके देखिए एक बार आप डालेंगे आपको किस तरीके का कॉफी आपको पसंद है आप बनाते किस तरीके आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए लाइट चाहिए मीडियम चाहिए उनको डिसाइड करने दो ना, हम कहीं को डिसाइड कर रहे हैं हम कहीं को डिसाइड कर रहे हैं हम नहीं डिसाइड करना है उनको, क्योंकि वो लोग जनरली टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, टेस्ट के लिए अगर यूज करना है तो 150 ml वाटर ठीक है, कई लोगों को लाइट पसंद है तो थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, कई लोगों को स्ट्रॉन्ग पसंद है तो कम पानी डालना पड़ेगा, उनको डिसाइड करने के लिए तो क्या होता है हम उनको बोलते हैं 6 कप 4 कप ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो घर पे जाएगा उसके पास रखाओ कॉफी मग, वो 6 कॉफी मग लेगा 6 में थोड़ा थोड़ा डालेगा फिर वो कर रहा है क्योंकि उसका आदत है भरने की, वो पूरा पानी भर देगा, भरने के बाद क्या करेगा क्या कॉफी भूल रहा फिर फोन करेगा क्या कॉफी लाके रेट लेके रहा बोलते ना कई बार, इससे पहले ही हमें बताना हम उनको कैसे अप्रोच करते उनको बोलते उनको डिसाइड करना दो किस तरीके का कॉफी पीना चाहते हैं, बोलिए आप सर जो भी कप आप यूज करते हैं कप में थोड़ा सा डालिए ठीक है, जनरली तो हम रेकमेंड करते हैं एक सैशे एक बार भी खत्म
देखिए एक बार खोल दे क्योंकि इसमें खराब होने के लिए चैन नहीं किया है, एक ही बार में इसको खत्म करो। 150 ml में कंपनी इसको रिकमेंड करती है, आप इसको डालिए कप में अंदर, हो सकता है 200 ml भी वाटर लगे, 100 ml भी लगे, जैसे ना थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा टेस्ट करके देखिए, अगर आपको और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उतना ही पीजिए, नहीं तो आप लाइट पीना चाहते थोड़ा पानी ज्यादा डालिए। तो क्या होगा, ये सेशन वो एक बार में खत्म करेगा, अगर दिन में दो बार कॉफी पीता है तो दिन में दो बार खत्म करेगा, जल्दी से पैकेट खत्म होगा, जल्दी आएगा हमारे पास, ज्यादा पी भी आएगा, बिजनेस ज्यादा आएगा। बट बिजनेस साइड ही नहीं है, वो जितना जल्दी इसको ज्यादा यूज करेगा, जितना ज्यादा इसको यूज करेगा उतना जल्दी उसको बेनिफिट नहीं होगा। जितना जल्दी हम चेकअप बोलने को बेचारा एक दिन चेकअप पिएगा, फिर मजबूरी के मारे कई लोग पीते हैं, उसके बाद 3 महीने फिर बोलेगा फिर मेरे को कुछ पी नहीं हो रहा है, फिर बेनिफिट ही निकाल सकती होगा। तो इसको जिस तरीके से यूज करना उस तरीके से आप बताइए। ओके, अब 3 in 1, 2 in 1 भी ऐसा ही, 2 in 1 एक बार में तो नहीं भाई करवा ज्यादा लगता है, कॉफी है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से मसाला ठीक हो, जब ऐसे ऐसे आंसर आते हैं मुझे भी कई बार, मैं सोचता हूँ ये क्या सोच के बैठे, उन्होंने बोला सर हम मसाला टी इसलिए प्रमोट नहीं करते क्योंकि जनरली हम बनाते हैं कप के अंदर, जो पेपर कप होता है 100 ml का पेपर कप होता है, उसके अंदर जब हम मसाला टी गर्म पानी अच्छा उबला हुआ पानी रखा है तो कम से कम 6 कप बन जाते हैं, नहा वो तो बन जाता है क्योंकि पाउडर उतना है ना, तो ज्यादा देर डुबा कर रखोगे तो ज्यादा कलर आएगा, तो चेकअप भी बन जाता है। तो सर अगर मैं किसी को प्रमोट करूंगा वो बेचारा जेब में रख के लेके जाएगा, रखने के बाद वो मान लो उसको ऐसे ऑफिस में गया, ऑफिस में मशीन मिला, गर्म पानी डाला आपने, डालने के बाद एक बार डुबोया, उसको जितना कलर चाहिए था ले लिया, फिर निकाला, निकालने के बाद उसको संभाल के कैसे रखोगे, जो ट्रिप्टी को डुबो दिया तो संभाल के रखना ना, चेकअप बनता है अभी तो ये कभी नहीं है। गलत चीज वही माइंड में बैठ गया, अरे भाई सामने वाले को आपको क्या बोलना है, उसको कहां नुकसान हो रहा है, इसका आप रेट अगर आप देखेंगे, इसका रेट मैक्सिमम ना अभी लिखा तो मैं इसमें 7 rupees, 8 rupees आता है एक सेट, 7-8 rupees आप पकड़ लीजिए, बाहर का चाय कितना, आपको रेट कंपेयर कराना है ना, उनको पूछिए सर बाहर का चाय कितने का आता है, 10 rupees का आता है एक कप, वो दूध डाल के देता है जब वो 10 rupees का आता है, आपको एक हेल्दी चाय में दे रहा हूँ 8 rupees में, पियेंगे बोलेगा हाँ महंगा है सस्ता है, घर सस्ता है 8 rupees का 25 का कैसे आता है, आप लेके जाइए सबसे सस्ता चाय हेल्दी टी, एरोमा डाला है उसके अंदर, जनरली लोग लेंगे महंगा, आपको महंगा है ही तो महंगा आप कैसे बोलेंगे, 8 rupees में एक चाय आपको मिल रहा है, उनको बोलिए सर ये डिप्पी जो है आपको जितना कलर आपको चाहिए उतना आप डुबा दीजिए, जितना चाहिए उसके बाद इसको फेंकिए, संभाल के थोड़ी रखना है उसको,